नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भारत के लिए यह राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में सरकार कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगों के लिए कई योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। लेकिन इस बीच रांची राजभवन के समक्ष दिव्यांग संगठनों के द्वारा लगातार 1 सप्ताह से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस एवं भारत के लिए दिव्यांग दिवस के अवसर पर संगठनों के नेताओं ने दर्द साझा किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने हमें तो दिव्यांग नाम दे दिया, लेकिन उनके नाम के बाद किसी प्रकार का कोई लाभ या हम लोगों को सामाजिक स्तर पर कोई भी आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक रूप में जो है पहचान नहीं हो सकी है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं कर रही है और लगातार 7 दिनों से ठंड में प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई राज्य सरकार का नुमाइंदा जो है हम लोगों से मिलने नहीं आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और कह सकते हैं कि दिव्यांग दिवस भारत के लिए, लेकिन हम दिव्यांगों के सुनने वाला कोई नेता या पदाधिकारी नहीं है। ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और विश्व में जो है दिव्यांग के रूप में नहीं विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत में जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप लोगों को दिव्यांग के रूप में जो है उन्होंने घोषणा किया है, तो क्या जीवन में मोदी जी के कहने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आया है? केवल नाम ही उन्होंने दिया है जो अच्छा है, विकलांग से दिव्यांग दिए हैं जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके द्वारा कुछ खास ऐसा दिव्यांगों को अभी तक नहीं मिला है जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हमारा विकास हो, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कितने दिनों से आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, तो कितने दिनों से आप आज राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं? हम लोग 26 नवंबर से धरना प्रदर्शन में है। हम लोग का 21 तरह का मांग है जो दिव्यांगों के हित में है और हमारी मांगें जायज है, जिसमें मुख्य मांग हमारा है कि हमारा पेंशन जो अभी 1000 है, महंगाई को देखते हुए हमारा पेंशन 2500 होना चाहिए। इसके बाद 2 साल से लगभग निःशक्ता आयुक्त जो हमारा लोग का दिव्यांग लोग के महामहिम मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, पद खाली पड़ा है। उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनका भी नियुक्ति नहीं हुआ है और इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं, रोजगार से संबंधित हम लोग को जोड़ा नहीं गया है। ये बताइए कि वर्तमान में जो दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, सरकार की ओर से मनाया जा रहा है, आप लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई भी सरकारी के पदाधिकारी या मंत्री मिलने आए हैं आपसे? पहली बात तो आज विश्व विकलांग दिवस है, इसका हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि हमारी विडम्बना है कि हम लोग आज सड़क पर उतर गए हैं। हम लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है, चूंकि दिव्यांग है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हमारा मांग पूरा नहीं हुआ इसके कारण हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर है, रोड पर आ खड़े हुए हैं और विश्व दिव्यांग दिवस होना नहीं चाहिए। इसके उल्टे हमारी जो मांग है उसको समर्थन मिलना चाहिए, आश्वासन मिलना चाहिए, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। सरकार से कहीं मेरी उम्मीद है कि हमारी मांग जायज है, उन पर ध्यान दे, आश्वासन हमारी मांग को पूरी कर। आप बताइए क्या नाम है आपका? संदीप जी, ये बताइए कि अभी आप लोग इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? लगता है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? सरकार पहुंचाना होगा और उनको सुनना होगा। और हमारी मांगे जितनी भी है, किस तरह की मांगे हैं जिसमें मुख्य हमारा पेंशन का है, वो सारे मांगे को हम हमारे उनको सुनकर उनको लागू करना होगा। अभी आपको कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है सरकार की ओर से? कितना राशि मिलता है आपको? अभी मात्र 1000 रुपया हम लोग मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल महीने, अभी इसी महीने
हम लोग को मिलता है, पेंशन हम लोग को नहीं मिलता, कितनी की मांग कर रहे हैं हम लोग भाई रुपए की। अभी महंगाई को खुद इतना का मांग कर रहे जो हमारा सरकार हमको देने का वादा किया और अभी तक हमको वो चीज नहीं मिल रहा। ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस बहुत पहले से ही मनाया जा रहा है, इसका विद्रोह हम लोग करने का दिवस हो गए। ये दिखावा नहीं होना चाहिए, सरकार को उसके पीछे काम नहीं करना चाहिए। सब विकलांग दिवस मनाइए और विकलांग को सहानुभूति दीजिए। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये विकलांग दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं है। आप क्यों मनाइएगा? हम लोग को जब पूरा लाभ नहीं मिल रहा हम लोग को, तो इस विकलांग दिवस का मनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब नहीं। ये दिखावा मत कीजिए।